ऑल राइट गाइस, तो मैंने अपने गेम के अंदर फ्री फायर का क्लॉक टावर को ऐड कर लिया, और आप लोग भी इसे अपने गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं चलिए बताता हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो गाइस अभी मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ, आप लोग अपने गेम के अंदर फ्री फायर का क्लॉक टावर ऐड करोगे तो वो आप लोग को कहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को किसी भी एक कार या बाइक को स्पॉन करा लेना, उसके बाद आप लोग उसमें बैठकर घर के पीछे वाली साइड में जाना है। जैसे ही आप लोग अपने घर के पीछे जाओगे तो वो सामने की तरफ में आप लोग को फ्री फायर का क्लॉक टावर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब मैं आप लोग को इसे पूरा का पूरा एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। एंड गाइस आप लोग मेरे को बताना आप लोग इसे 10 में से कितने नंबर दोगे कमेंट में। और गाइस इसका जो क्रेडिट है वो जाता है सिम लिस्ट को, आप लोग उनका भी चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन गाइस आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम लोग के सब्सक्राइबर अभी तक 6 के नहीं हुए। तो चलिए गाइस अब मैं आप लोग को इसे एक्सप्लोर करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप लोग ऊपर आओगे सीढ़ियों से आप लोग को लेफ्ट साइड में बहुत सारे हाउस देखने को मिल जाएंगे, और गाइस आप लोग को राइट साइड में सीढ़ियां जाते हुए देखेंगे ऊपर। सबसे पहले हम लोग ऊपर देख कर आ जाते हैं। तो गाइस ऊपर आते ही सबसे पहले आप लोग को एक ग्रीन कलर का हाउस देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग जाओगे तो लेफ्ट राइट दोनों साइड में रूम बने हुए होंगे, और गाइस वो दोनों रूम खाली होंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लेफ्ट वाला रूम भी खाली था और यहाँ पर राइट वाला रूम भी खाली है। यहाँ पर आप लोग को सीढ़ियां चढ़ती हुई देखेंगे ऊपर की तरफ में। चलिए गाइस अभी हम लोग उस सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर वाले रूम में क्या है। जैसे आप लोग ऊपर आओगे तो ऊपर भी आप लोग को राइट साइड में रूम देखने को मिल जाएगा, जो कि अंदर से पूरा का पूरा खाली है। और गाइस सेम टू सेम आप लोग को लेफ्ट साइड में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अंदर से खाली होगा। लेकिन गाइस उसके अंदर एक और भी रूम होगा छोटा सा। और गाइस दोबारा आप लोग को ऊपर जाने की सीढ़ियां देखने को मिल जाएंगी। फिर गाइस आप लोग इन वाली सीढ़ियों से भी ऊपर जाओगे तो फिर से गाइस लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आप लोग को कमरे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाले रूम में चलते हैं, और ये अंदर से पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। और गाइस राइट वाला रूम भी अंदर से पूरा का पूरा खाली है। और गाइस ये इसका टॉप फ्लोर है, हम लोग सबसे ऊपर आ चुके हैं। और गाइस यहाँ पे बीच में आप लोग को एक विंडो देखने को मिलती है, जिसके ऊपर मैं चढ़ा तो मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। गाइस यहाँ पर से मैं निकल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जंप कर लूँ। मैं जैसे ही एक और जंप करता हूँ तो गाइस मैं पता नहीं कहाँ पर ही बस छत के ऊपर पहुँच जाता हूँ। हम लोग गाइस इस घर के ऊपर ही चढ़ चुके थे, पता नहीं यहाँ पर क्या ग्लिच हुआ था। इसके ऊपर चढ़कर गाइस आप लोग इस पूरे एरिया को देख सकते हो, लेकिन गाइस यही काम हम लोग ड्रोन से भी कर सकते हैं। और गाइस इस पूरी सिटी की एक एक चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल से बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा इसे मेहनत से बनाया गया है। दोस्तों बाकी के घर भी आप लोग को अंदर से खाली देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारे यहाँ पर आप लोग को छोटे छोटे हार्ट देखने को मिल जाएंगे, घर देखने को मिल जाएंगे। और गाइस बाकी आप लोग इसे पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट चीज की तरफ, वरना भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। और आप लोग अभी से ही मेरे को कमेंट जाकर बता दो आप लोग इसे 10 में से कितने नंबर दोगे। भाई मैं तो इसे 10 में से पूरे के पूरे 10 नंबर दूंगा, आप लोग कितने लोगे आप लोग मेरे को कमेंट में बता दो। गाइस अपने नेक्स्ट लिंक को जैसे आप लोग अपने गेम के अंदर ऐड करके आओगे तो आप लोग को लेफ्ट साइड में स्नो पार्क देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बाहर से देखने में तो काफी ज्यादा औसम लग रहा है। अब गाइस इसे अंदर से जाकर देखते हैं ये कितना ज्यादा कमाल का है। तो मैंने अभी यहाँ पर ड्रोन शूट ऑन कर लिया ताकि मैं आप लोग को सही से दिखा पाऊँ कि यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग को बहुत ही शानदार सा मिक्की माउस देखने को मिल जाता है। ऐसे तो गाइस इंडियन बाइक में प्रॉप जो है वो सही कलर के नहीं है, वरना और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप लोग को डोरेमोन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई बहुत ही सही बने हैं। यहाँ पर आप लोग को झूले वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और गाइस यहाँ पर राइट साइड में आप लोग को आइसक्रीम वगैरह देखने को मिल जाएगी। ऐसे गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री में प्रॉप जो है उनका कलर भी थोड़ा सही नहीं है, वरना ये और भी ज्यादा शानदार लगता है। और गाइस यहाँ पर राइट साइड में कोने में आप लोग को हाउस देखने को मिल जाएगा, जिसके बाहर दो स्नो मैन है। अंदर आप लोग इसके जाओगे तो आप लोग यहाँ पर सोफा देखने को मिल जाएगा और बेड देखने को मिल जाएगा, और सामने दीवार में आप लोग को टीवी लगे हुए मिल जाएंगे। और गाइस इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को जितनी भी सिटी दिखा रहा हूँ, जितनी भी प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग लिंक को कॉपी कर सकते हो और अपने गेम के अंदर डाल सकते हो। और इस सिटी के अंदर जैसे आप लोग अपने हाउस से बाहर निकलोगे, राइट साइड में आप लोग को एक रोड देखने को मिल जाएगा। और गाइस अगर आप लोग उस रोड को फॉलो करते हुए सीधा सीधा जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर और भी सारे प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस लेफ्ट साइड में मेरे को यहाँ पर एक कार शोरूम दिख चुका है, जो की इनकम्प्लीट है, जो की मुकम्मल तौर पर नहीं बना है। और गाइस आप लोग इसको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये गाइस सारी चीजें एक ही सिटी के अंदर होने वाली है। गाइस अगर आप लोग अगर इसी रोड को फॉलो करते हुए सामने स्ट्रेट जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर गाइस एक हाउस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस इनकम्प्लीट है। और गाइस अगर आप लोग इस हाउस के सामने की तरफ में देखो तो आप लोग को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मूवी थिएटर भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर आप लोग को एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई देखने से तो स्कूल लग रहा है, कि भाई अभी ये इनकम्प्लीट है तो सही से समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। एंड गाइस अगर आप लोग वापस से सामने की तरफ में जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जो कि पता नहीं भाई क्या है, ये भी भाई इनकम्प्लीट बना हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है भाई ये घर ही लग रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और गाइस सामने की तरफ में वापस से आप लोग को एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और भी ज्यादा आप लोग आगे जाओगे तो अगेन आप लोग को यहाँ पर एक हाउस देखने को मिलता है, लेकिन गाइस इससे आप लोग सिर्फ जेट पैक से ही आ सकते हो, क्योंकि भाई ये हाउस जो है वो आसमान में बना हुआ है, आप लोग को इसमें आने के लिए जेट पैक की जरूरत पड़ने वाली है। और गाइस मैंने इसे आप लोग को अंदर से भी दिखा दिया। और गाइस मैं एक दफा फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग को सारी चीजें इसी सिटी के अंदर मिलने वाली है। बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। बाकी मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।